यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मेरा ये मानना है कि कब तक ऐसा चलेगा। अब देखिए, हमने 200 को मार गिराया और 200 चले गए, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो इसको थमना होगा, एंड somebody has to take the front। ये जो कश्मीर इशू है, इट्स अ पॉलिटिकल इशू एंड इट शुड बी रिजॉल्वड पॉलिटिकली। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को, लोगों को जो इसमें मर रहे हैं, कहीं पैलेट से कहीं गोलियां चलती है, तो इससे आखिर में हमें मिलेगा क्या? बट डू यू कंसिडर देम एज ब्रदर्स, दोज मिलिटेंट? बिल्कुल, जो कश्मीरी है वो तो भाई है, मिलिटेंट भी वो भाई है। नहीं, मुझे लगता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारी उनके साथ भी मुकम्मल हमदर्दी है। हम ये नहीं चाहते कि वो भी मरे, क्योंकि या उनकी माँ से पूछिए जो बॉर्डर पे या किसी एनकाउंटर में कोई सिक्योरिटी अहलकार शहीद होता है, तो उनके माँ बाप को भी दुख होता है। वैसे ही जो मिलिटेंट्स हैं उनके माँ बाप को भी दुख होता है। कोई माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा मरे, वो चाहे यहाँ का हो या वो चाहे किसी और का हो।